मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिदा राबील और आप सबको अपनी वीडियो में वेलकम करती हूँ। हाँ जी, तो आज की वीडियो में चिकन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो भी ये चिकन कढ़ाई खा ले, खा के वाह वाह करे। हाँ जी, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने चिकन ली है 1/2 किलो, टमाटर लिए हैं 1 पाव। टमाटर को अच्छी तरह धोकर मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। टमाटर को छिलके समेत ही कट करना है। यह है प्याज, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, दही 1/2 प्याली, मक्खन 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ वाली ली हैं। ये कुकिंग के टाइम हम चिकन कढ़ाई में ऐड करेंगे। और जो ये छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने गार्निश के लिए रखा है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया और उसको इस स्टाइल में कट कर लिया। मैंने चिकन में बनाया है, आप चाहें तो इसको बीफ या मटन वगैरह में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया, उसको मैंने कट करके पानी से अच्छी तरह वॉश करके रख लिया है। हाँ जी, मसालों में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच के करीब साबुत धनिया जो कि मैंने रोज़ करके कूट लिया, हाथ से ही मसल लिया है, और 1/2 चाय का चम्मच इसमें कुटी काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन में भी ये बना सकते हैं या किसी पतीले वगैरह में। कढ़ाई में मैंने 1 प्याली ऑयल ऐड किया और उसको अच्छी तरह गर्म करके उसमें ग्रेट की हुई प्याज को शामिल किया। तेज़ आँच पर प्याज को सौते करना है, पूरा फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। प्याज को सौते करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेना है। ये तमाम प्रोसेस हम दरमियानी से तेज़ आंच पे करेंगे। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन शामिल करने के बाद हम इसकी तेज़ आंच पर अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई की जाएगी, कढ़ाई उतना ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर लार्ज क्वांटिटी में मुझे कढ़ाई तैयार करना होता है तो मैं उसके लिए नॉन स्टिक वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ। ये कोई इतनी बेहतरीन सी कढ़ाई बनके तैयार होगी ना कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। मेरे कहने पर आप लोग एक बार ये कढ़ाई ज़रूर तैयार कीजिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है और चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी शामिल किया, लहसुन वाली उसी प्याली में पानी डाल के थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी तारीफ़ तो सब ही करते हैं, आप जब ये कढ़ाई बनाएंगे तो सब दूसरे आपकी तारीफ़ करेंगे। हाँ जी, अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को मैंने सेंटर से कट कर लिया है और अब मैं इसमें एज इट इज़ साबुत हाफ जो कट किए हुए टमाटर उसको शामिल कर दूंगी और उसको चिकन के ऊपर एज इट इज़ रख देंगे। और जब हम इसको कवर करेंगे तो चिकन कढ़ाई में बनने वाली स्टीम की वजह से इसका छिलका बहुत इजीली टमाटर से अलग हो जाएगा। हाँ जी, सारे टमाटर मैंने चिकन के ऊपर बिछा दिए हैं और अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। अच्छी तरह कवर करेंगे ताकि अंदर स्टीम बने और टमाटर अपना छिलका अलग कर दे। टमाटर को कोई ब्लेंड नहीं करना, कोई टमाटर की प्यूरी नहीं डालनी, टमाटर को एज इट इज़ शामिल करना है। आप बिलीव करें, आपकी कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनेगी।
इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कि आप ये कढ़ाई बार बार बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कढ़ाई एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कढ़ाई बना बना के, और अपने घर में होने वाली तमाम दावत में ये कढ़ाई मैं ज़रूर बनाती हूँ। आप भी एक बार ट्राई करें। और अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए जी हम इसका टमाटर का जो छिलका है वो सेपरेट करते हैं। टमाटर का पीस सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ टोंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फोक वगैरह से भी हटा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मुझे टमाटर का छिलका उतारने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अभी टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए थे और मैंने जल्दी ही उतारना शुरू कर दिया था, तो मैंने 2 मिनट और मज़ीद कवर करके अब छिलका उतारना शुरू किया, तो बहुत ईजीली इसका छिलका उतर गया। और आप यकीन कीजिए छिलका उतरने के बाद टमाटर बहुत बहुत ईजीली आसानी के साथ कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाता है, ना टमाटर के कोई पीसेस आते हैं ना कोई टमाटर का बड़ा टुकड़ा रहता है इसके अंदर कि आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही हो या आपकी कढ़ाई में कोई नुकसान नज़र आए। आप बिलीव कीजिए ये बिल्कुल किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरह बन के तैयार होता है। अक्सर लोगों को कढ़ाई बनाते हुए ये मसला होता है कि या तो उनको टमाटर वगैरह ब्लेंड करने पड़ते हैं या कोई प्यूरी वगैरह ऐड करनी पड़ती है या फिर उसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करना पड़ता है, इसलिए लोगों को कढ़ाई बनाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज की इस रेसिपी के बाद आपको कढ़ाई बहुत आसान लगने वाला है। और यहाँ जी इन टमाटरों को मैं इसी चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ और बहुत आसानी के साथ इसी कढ़ाई के पानी में ये टमाटर हल हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह मैश करने के बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें, और हरी मिर्च डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद वो तमाम मसाले शामिल करेंगे जो हमने एक प्लेट में सेपरेटली निकाले थे। साइड पर प्लेट आपके पास शो हो रही होगी। हाँ जी, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त सीन कुछ इस तरह हुआ कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उस टाइम डोरबेल बजी और मैं कैमरा स्टॉप करके गेट तक गई। हाँ जी, पलट कर जब मैं वापस आई तो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई और जी मसाले शामिल करने वाला स्टेप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। हाँ जी, यहाँ मैंने दरमियानी साइज़ की जो हरी मिर्चें थी उसको कट कर लिया, दरमियान से आड़ा तिरछा कट कर लें और इसमें 3 हरी मिर्च शामिल कर दें। हरी मिर्च के साथ हम इसमें अदरक भी शामिल करेंगे जो हमने कट करके रखी हुई थी। अदरक और हरी मिर्च शामिल करने के बाद हम इसकी मज़ीद 2 से 4 मिनट भुनाई करेंगे और इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। हरी मिर्च अदरक ऐड करने के बाद तमाम मसाले ऐड किए जाएंगे। हाँ जी, मसाले मैं एंड में ऐड कर रही हूँ वो इसलिए कि लास्ट में अगर मसाले ऐड किए जाते हैं तो इसकी एक फ्रेगनेंस और उसका एक टेस्ट ही बिल्कुल मुनफरद होता है। स्टार्ट में अगर मसाले शामिल कर दिए जाते हैं तो सालन की भुनाई के साथ साथ मसाले जलने लगते हैं। हाँ जी, यहाँ इसकी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे और आप बिलीव कीजिए कि वॉइस ओवर करते वक्त मुझे दोबारा से भूख लगना शुरू हो गई है और मेरे मुंह में ये कढ़ाई देख के पानी आ रहा है। और यकीनन आप सबको भी भूख लगनी स्टार्ट हो गई होगी, आपको भी बहुत ही यम्मी सी कढ़ाई खाने का दिल चाह रहा होगा, तो जी आपने आज ही ये कढ़ाई ट्राई करनी है। अच्छा जी, अब इसमें हम 2 चम्मच दही शामिल करेंगे और जी एक चीज़ लास्ट में जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है मेथी। यहाँ मैं ड्राई मेथी यूज़ कर रही हूँ और ये वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने इसको धोने के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था और ये बाज़ार वाली पैकेट वाली इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राई मेथी, तो इसलिए मैं इसको धो के इस्तेमाल कर रही हूँ पानी में भिगो के, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह कोई कंकर वगैरह इसमें आ जाता है बाज़ार की मेथी में। हाँ जी, तो तकरीबन हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और इसकी क्या मज़ेदार सी खुशबू फैल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी हम इसमें लास्ट में ऐड कर रहे हैं मक्खन तकरीबन 2 चाय के चम्मच, और इसमें आप चाहें तो क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं तो मैंने शामिल नहीं की, ऑप्शनल है। और जी मक्खन ऐड करने के बाद जो हमने हरी मिर्च रखी थी गार्निश के लिए वो हम गार्निश करेंगे और इस पर हम हरा धनिया छिड़केंगे और जी हमारी यम्मी सी चिकन कढ़ाई बन के तैयार है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल रिदा राबिल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।